करने जाएंगे, नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया की शर्मनाक हरकतें और उनकी लेटेस्ट इंसल्ट दिखाई जाती है। आज के वीडियो में हम सुधीर चौधरी की 2014 से पहले के ट्वीट्स देखेंगे और जानेंगे कि उनका जमीर सिर्फ बीजेपी के अलावा सभी पार्टीज के खिलाफ जागता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि हमें पता है कि हर धर्म अलग होता है और हर देश अलग होता है। जैसे हर धर्म की अपनी मान्यता होती है, वैसे ही हर देश के अपने कानून होते हैं। इस क्लिप में हम देखेंगे कि हमारी अंजना दीदी जब गौ माता का निबंध सुना रही थी और बीजेपी की ओर से गौ रक्षक बन रही थी, तो कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने गाय के नाम पर जो गोदी मीडिया और बीजेपी पार्टी धर्मों में भेदभाव फैलाना चाहती थी, इस प्रोपेगेंडा की उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी और बताया कि बीजेपी के ही लोग खुद गाय का मांस का सेवन करते हैं। और साथ में ही एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी गोदी मीडिया और बीजेपी की जमकर क्लास ली। और दोस्तों, हमें एक बात जरूर कमेंट्स में लिखकर बताएं कि अगर बीजेपी इतना ही गाय से प्रेम करती है, तो भारत से बाहर जो लीगली लाखों करोड़ों टन का बीफ जाता है, उसको क्यों नहीं रोकती? बचपन में सभी ने, मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर बच्चे ने इस तरह का ऐसे तो लिखा ही होगा। ऐसे सब बचपन से लिखते हैं, गाय हमारी माता है। नहीं। निबंध से चुनाव तक गाय हमारी माता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और इसी के साथ विपक्ष को घेरा, कहा गाय उनके लिए गुनाह है, गाय हमारी माता है, ये प्रधानमंत्री ने आज कहा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है, निकलो बाहर, निकालो इसको। प्रधानमंत्री जी ने कहा गाय हमारी माता है, तो प्रधानमंत्री जी आपका मंत्री गाय का मांस खाता है। मेघालय के मंत्री संगबोर शुल्ले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिकन मटन मछली की अपेक्षा गाय का मांस इसलिए खा रहा हूँ ताकि ये संदेश दिया जा सके, ये गलत जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाएगी और गाय का मांस नहीं खाती इसलिए खाता हूँ। किरण रिजिजू मिजोरम में पत्रकार वार्ता में कहते हैं, कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गाय का मांस खाता हूँ, किसी में साहस हो तो मुझे रोक सके। गाय हमारी माता है, दूसरों के लिए गुनाह हो सकती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो वो एक हिंदू सेंटिमेंट को छूने की कोशिश करते हैं। नहीं। जिसको हमेशा ये लगा कि उसकी अनदेखी की गई है, क्या पैकेजिंग में मात दे रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पैकेजिंग की पार्टी है, पैकेजिंग और मार्केटिंग इवेंट करने वाली पार्टी है, जनता की मदद करने वाली पार्टी थोड़ी है। तो आप भी जब समझिए, अच्छी बात है, आपको भी इस बात की बधाई। भारतीय जनता पार्टी आज गाय माता की बात कर रही है। अगर एक सवाल में पूछ दूं अंजना जी ना, तो अभी चाहते घूमेंगे आप बीजेपी के प्रवक्ता को। ये बता दें कि हमारे शास्त्रों में कितने नाम है गाय के, जो हमारी गाय है उनके नाम कितने हैं, ये बता दें। ये एक केबीसी है और ये है एक एबीसी, अनुराग बनाएंगे करोड़पति। अब अनुराग भदौरिया आजकल अक्सर जीके का सवाल लेकर हल्ला बोल में आते हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात को बीच में टोक देते हैं तो मेरा हमारी बात पूरी नहीं हो पाती। आप कीजिए यार। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। आप अपनी बात तो लादना चाहती है, हमारी बात नहीं जाना देना चाहती। बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा था तब तो आप नहीं टोके, शर्म करो थोड़ा सा। प्रभु राम की बात करते, ये भी नहीं पता क्वेश्चन है, माँ का नाम गाय माता के नाम पे था। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो फर्जी भक्त बने घूमते रहते हैं, इनको गाय माता के बारे में नहीं पता, देवकी के बारे में नहीं पता, सरस्वती भी गाय माता के नाम पे रखा गया था, इनको ये तक मालूम नहीं है। ये बात करेंगे यहाँ पे बैठ के, इनको मालूम है कुछ भी क्या? अनुराग बनाएंगे करोड़पति का गेम अलग चल रहा है अनुराग जी का। अरे अनुराग जी, 1 करोड़ दीजिए, कितना दीजिएगा? 1.25 लाख रुपया। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे भाई, मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। तो दोस्तों, 7 जून 1974 का समय है, हरियाणा के सौंधड़ जिले में चौधरियों के घर एक व्यक्ति का जन्म हुआ।
उस व्यक्ति को आप और हम इस समय सुधीर चौधरी के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं था कि सुधीर का जमीर बचपन से ही सोया हुआ था। फिर एक दिन ऐसा साल आया 2014, जिसमें उस दिन सुधीर का दिल इतनी ज्यादा सच्ची पत्रकारिता से भर गया कि उनका जमीर ही फट गया। आइए आप और हम उनके जागते हुए जमीर यानी 2014 से पहले के ट्वीट्स देखते हैं। पहले ट्वीट में सुधीर लिखते हैं, तेल का दाम 1.82 रुपया पर लीटर आज रात से बढ़ जाएगा। ये हाइक 2 महीने में दूसरी बार है और आज 7 दिनों में 7 बार भी दाम बढ़ने पर ये महाशय मुंह में मलाई डालकर मुंह को सिलवाकर बैठे हैं। अगले ट्वीट में सुधीर लिखते हैं कि कल का कार्टून बढ़ते तेल के दामों पर बनाया जाएगा, क्यों आम आदमी भी कार्टून बन गया है। अगले ट्वीट में हम देखेंगे कि हमारे सुधीर चौधरी आज से ही जोकर नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। इसमें वो जोक लिखते हैं, पंप का कर्मचारी बोलता है कितने का तेल डालूं, फिर मैं कहता हूं 2-4 रुपए का गाड़ी के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, आग लगानी है। भाई साहब, दिल तो हमारा भी बहुत करता है कि आपका न्यूज सुनकर टेलीविजन को आग लगा दे, पर हम दलाली नहीं करते तो नया खरीद नहीं पाएंगे मेरे भाई। अगले ट्वीट में सुधीर लिखते हैं कि मध्य वर्ग के लोगों को डिमांड करना चाहिए कि उनकी तनख्वाह रुपयों के अलावा बल्कि पेट्रोल में दी जाए, ऐसे उनकी तनख्वाह हर 3 महीने में बढ़ जाया करेगी। 2011 में सुधीर लिखते हैं कि अनलकी 14th यूपीए का फिर से वार, पेट्रोल के दाम फिर से 5 रुपया बढ़ा दिया गया, लगता है कि इलेक्शन के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। अरे तिहाड़ी, अभी के इलेक्शंस के बाद भी यही हुआ, पर आप तो बस टस से मस नहीं हुए। अगले ट्वीट में सुधीर लिखते हैं कि एक और नया जोक आया है, पेट्रोल अब इतना रहीस हो चुका है कि वो परफ्यूम की तरह अब खुद पर छिड़का जा सके। ये लो दोस्तों, एक और बोनस ट्वीट है हमारे चाटुकार सुधीर चौधरी की पुरानी कर्मचारी स्मृति ईरानी का। इसमें वो लिखती हैं, 50 रुपए की बढ़ोतरी LPG में और ये खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, कितनी शर्म की बात है। ये याद है सर? हाँ देखा है कहीं, ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओ हाँ याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन शायद विपक्ष को कहीं नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब ये सब विकास का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इतने अच्छे काम आपने गिनाए, काम आप एक के बाद एक गिराते हैं, आपको चुप करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक के बाद एक लय में बोलते चले जाते हैं। तो आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि आप कहें कि मैं इतना उपयोगी हूं कि अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।